दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ एसीबी ने केस दर्ज किया है, लेकिन इस एफआईआर में खुद का नाम आने पर अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जाहिर की है और इसके लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता मेरा नाम इस एफआईआर में क्यों आया है, इन नियुक्तियों में मेरी क्या भूमिका है। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि जब मेरा नाम इस मामले में दर्ज एफआईआर में आया है तो यह भी बताना चाहिए कि इसमें मेरी भूमिका क्या थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम के इशारे पर एफआईआर दर्ज हुई है। केजरीवाल ने कहा कि अब अगर केस दर्ज हुआ है तो चर्चा होनी चाहिए, हम चर्चा कराएंगे, इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा जिसमें मामले को लेकर पूरा षड्यंत्र सामने लाया जाएगा। वहीं एसीबी प्रमुख मुकेश मीणा का कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया है। दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष बरका सिंह की शिकायत में उनका नाम था। आपको बता दें कि कल एसीबी ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। मालीवाल पर गलत तरीके से 85 नियुक्तियां करने का आरोप है। तो बेंगलुरु से दिल्ली लौटते ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और स्वाति मालीवाल के बहाने उन्हें निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। देखते रहिए डीपी लाइव।